बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक पीडिया टीवी के प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जज़ाकअल्लाह। आज का हमारा मौजू है क़यामत की निशानियाँ। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत की निशानियां तस्बीह के दानों की तरह है, जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सी निशानियां बयान की हैं। आज मैं आप दोस्तों के सामने उनमें से चंद एक का जिक्र करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत नजदीक होगी तो लोग कुरान मजीद को मौसीकी के तर्ज पर तिलावत करेंगे, इस्लाम पर अमल करने वालों पर लोग ताज्जुब करेंगे और इन्हें नया समझेंगे। हर आने वाला जमाना गुजरे जमाने से बदतर होगा, गुनाह करना आसान हो जाएगा और गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा। मुसलमान मालदार होगा मगर दीनदार नहीं होगा, कत्लो कताल ज्यादा हो जाएगा, कातिल और मकतूल को मालूम ही नहीं होगा कि मैं क्यों कत्ल हो रहा हूँ या फिर मैं कत्ल क्यों कर रहा हूँ। दुनिया के मालदार लोग बखेल हो जाएंगे, जहालत आम हो जाएगी, लोग दुनियावी तालीम याफ्ता होंगे मगर दीनी इल्म से गाफिल होंगे, लोग जक़ात के हकदार नहीं होंगे मगर जक़ात की तलब करेंगे, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी यानी कपड़े इतने पतले होंगे जिनसे उनका जिस्म नजर आएगा। जमाने में बरकत खत्म हो जाएगी, साल महीने जैसा महीने, हफ्ते जैसा हफ्ता, दिन जैसा और दिन घंटे जैसा गुजरेगा। अरब की सरजमीन पर फराखी आएगी और मदीने मुनव्वरा की आबादी ज्यादा हो जाएगी, लोग सही अहादीस से इनकार कर देंगे और झूठी अहादीस बयान करेंगे। माल से मोहब्बत की वजह से बीवी भी अपने शोहर के साथ तिजारत में शरीक होगी, शराब का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा, हर शख्स चाहेगा उसका जिस्म दुबला और मजबूत हो जाए, बेहया औरतें और मौसीकी के आलात ज्यादा हो जाएंगे, लोगों में नमाज और खुशू खत्म हो जाएगा, झूठ बोलना आम हो जाएगा और लोग झूठी गवाही दे के दीन पर अमल करना ऐसा होगा जैसे आग का शोला हाथ में पकड़ा हो, जीना करना आसान और जीने के असबाब ज्यादा हो जाएंगे। मुसलमान हर अमल कुफार की ताबेदारी और पैरवी करेगा, कुरान मजीद को लोग जरिया माश बना लेंगे, कुफर आसान हो जाएगा, इंसान सुबह को मुसलमान और शाम काफिर होगा मगर उसे मालूम ही नहीं होगा, सूद आम हो जाएगा, नशे ज्यादा हो जाएंगे, दीनी इल्म कम हो जाएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानियाँ बयान की हैं उनमें से ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन।